जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, ठीक है, प्रोसेस लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। आप जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप इसको दो पार्ट में और दो हिस्से करके पढ़ेंगे। एक पार्ट में आप पढ़ेंगे वाइंडिंग अप का कंसेप्ट और उसके प्रोविजंस। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर आप नेक्स्ट कंसेप्ट पर आएंगे, आप पढ़ेंगे इनसॉल्वेंसी प्रोविजंस। चैप्टर को पढ़ने का आपको पैटर्न बता रहा हूँ। अब क्या है, आप ये थोड़ा समझ लो ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। कंपनी के बारे में आप जानते हो, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन होने का मतलब बेसिकली क्या होता है, कंपनी को किसने क्रिएट किया, लॉ ने क्रिएट किया है, राइट, क्रिएटेड बाय लॉ है, कानून द्वारा कंपनी बनाई गई है। तो जिसने बनाया है खत्म भी तो वही करेगा ना, तो अगर लॉ ने क्रिएट किया तो एंड भी कौन करेगा, लॉ करेगा। तो यह माना जाता है कि अगर आपको कंपनी को एंड करना है तो इसका एक फॉर्मल प्रोसेस या फॉर्मल तरीका है। फॉर्मल तरीका जो होता है बेसिकली दो स्टेज में काम करता है। सबसे पहले आपको कंपनी का वाइंडिंग अप कराना होता है। वाइंडिंग अप कराने का मतलब होता है कंपनी की सारी एसेट्स को बेचो। अभी मैं सिर्फ पार्ट ए की बात कर रहा हूँ ना, इंसॉल्वेंसी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं कराया है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगली क्रिएटेड है, तो खत्म भी कौन कर सकता है, लॉ। तो जैसे आप बोलोगे खत्म करने का फॉर्मल प्रोसेस क्या है, तो स्टेज वन जो होता है, नंबर वन, वो वाइंडिंग अप होता है, जिसमें कंपनी की सारी एसेट्स बेची जाती है, लाइबिलिटी रियलाइज की जाती है। रियलाइज का मतलब होता है पेड ऑफ की जाती है। अब जब ये स्टेप खत्म हो जाता है तो फिर दूसरा स्टेप अपनाया जाता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं डिसोल्यूशन करना। डिसोल्यूशन करने का मतलब होता है फॉर्मली एंडिंग द लाइफ ऑफ कंपनी। कंपनी की लाइफ एंड करना मतलब, आपको और मैं प्रॉपरली बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि आरओसी की बुक्स से आपकी कंपनी का नाम हट जाएगा और आपकी कंपनी का पूरा एग्जिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं इसको पढ़ना। जैसे वाइंडिंग अप का आप मीनिंग देखो, वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग डाउन द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। देखो वही है ना, क्रिएटेड बाय लॉ, तो एंड भी कौन करेगा, लॉ, ठीक है, और एलएलपी, दोनों की एक बात है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एसेट ऑफ द एंटिटी आर रियलाइज, मतलब बेचना, ठीक है, इट्स लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ एंड एनी सरप्लस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग कंट्रीब्यूटरी, मतलब शेयर होल्डर। वंस द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जैसे कंपनी लॉ में एनसीएलटी है, इज कन्विंस्ड दैट दीज प्रोसेस आर कंप्लीटेड, द एंटिटी इज डिसॉल्व। एक बार जब आप एसेट बेच दोगे, लाइबिलिटी पे कर दोगे और सरप्लस अगर कुछ बच रहा है बांट दोगे, और अथॉरिटी ये मतलब एनसीएलटी को ये बता दोगे कि आपने प्रोसेस खत्म कर दिया, तो फिर आपकी कंपनी को डिसॉल्व कर देगी। तो अब आपको यहाँ पे दोनों के बीच का एक डिफरेंस पता होना चाहिए। वाइंडिंग अप का मेन फीचर क्या है, वाइंडिंग अप इज द फर्स्ट स्टेज और इसमें एसेट बेची जाती है, लाइबिलिटी पे किया जाता है। डिसोल्यूशन फाइनल या सेकेंड स्टेज है, इसमें कंपनी फाइनली डिसॉल्व की जाती है, ठीक। वाइंडिंग अप कौन करता है, तो एक पर्सन है जिसको लिक्विडेटर बोलते हैं। लिक्विडेटर को अपॉइंट करने का काम कंपनी भी कर सकती है, कोर्ट, कोर्ट की जगह आप याद रखना एनसीएलटी यूज होगा वर्ड, ठीक है। डिसोल्यूशन सिर्फ कोर्ट, मतलब कोर्ट का मतलब यहाँ पे एनसीएलटी याद रखना, सिर्फ एनसीएलटी ऑर्डर कर सकता है, ठीक। लिक्विडेटर की क्या ड्यूटी है, तो वाइंडिंग अप के समय लिक्विडेटर कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, कंपनी की सारी एसेट्स बेचता है, लाइबिलिटी पे करता है। डिसोल्यूशन के समय लिक्विडेटर का कोई खास रोल है नहीं। डेप्ट की बात की जाए, जैसे एक कंपनी का वाइंड अप हो रहा है तो कोई भी क्रेडिटर आके अपनी डेप्ट प्रूव करके कंपनी से डेप्ट क्लेम कर सकता है। लेकिन एक बार अगर कंपनी का डिसोल्यूशन हो गया, डिसोल्यूशन होने का मतलब कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म ही हो गई है, तो क्रेडिटर अपनी डेप्ट प्रूव नहीं कर सकता क्योंकि कंपनी की एग्जिस्टेंस ही हट चुकी है ना। तो आपको वाइंडिंग अप का मतलब और वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं वाइंडिंग अप होता कैसे है। तो अगर मैं बोलूँ एनसीएलटी, नेशनल कंपनीज और ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी है, ये अगर वाइंडिंग अप कर रहा है तो इसका प्रोविजन सेक्शन 271 में दिया हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के, जिसमें ये बताया गया है कि एनसीएलटी कैसे वाइंडिंग अप करता है। तो सेक्शन 271 ये कहता है कि एनसीएलटी जो है फॉलोइंग केसेस में कंपनीज का वाइंडिंग अप करता है। नंबर वन, जब कंपनी ने खुद अप्लाई किया स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कि हमारी कंपनी को वाइंड अप कर दो। किसके पास अप्लाई किया, एनसीएलटी के पास। कहने का मतलब ये है कि जनरल मीटिंग बुलाई गई, यहाँ शेयर होल्डर आए, इन शेयर होल्डर ने 3/4 वोटिंग करके स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया। अब ये कंपनी से अप्लाई कर रहे हैं कंपनी के थ्रू एनसीएलटी को कि हमारी कंपनी को बंद करवा दो। सर क्यों करवाएंगे ऐसा, मे बी आपको काम ना जम रहा हो या मे बी आप कोई दूसरा काम करना चाहो तो इस कंपनी को बंद करवा दो। दूसरा, कंपनी ने क्या किया है, इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट काम किया है, मतलब कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचाया है।
तीसरा, अगर आरओसी के कहने पर या सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्लीकेशन पर एनसीएलटी को ये लगता है कि कंपनी के अफेयर्स ऐसे हैं जो फ्रॉड्यूलेंट हैं, मतलब वो अपने मेंबर्स से धोखाधड़ी करेगी या गड़बड़ करेगी, तो ऐसी कंपनी को वाइंड अप ऑर्डर दिया जा सकता है। वैसे ही पिछले 5 सालों से अगर कंपनी आरओसी के पास अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न नहीं जमा करा रही है तो वाइंड अप किया जा सकता है। कौन करेगा? आरओसी, या फिर कोई ऐसा ही जस्ट एंड इक्विटेबल रीजन। जस्ट एंड इक्विटेबल एक लॉन्ग लिस्ट है जिसको अदर रीजंस भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, अच्छे से आप याद रखो। ये हो गया आपका सेक्शन 271। अब बारी आती है 272, सेक्शन 272 की, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये है एलिजिबल एप्लीकेंट्स। अगर कंपनी खुद से अप्लाई करना चाहे कि हमारा वाइंडिंग अप कर दो, किसके पास अप्लाई? एनसीएलटी के, तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो पहले तो कंपनी खुद किसके थ्रू करेगी? थ्रू इट्स डायरेक्टर्स, थ्रू इट्स डायरेक्टर्स, ठीक है। और कौन कर सकता है? कंट्रीब्यूटरी कर सकते हैं। कंट्रीब्यूटरी मतलब होता है ऐसा शेयर होल्डर जो कंपनी के वाइंडिंग अप के पहले लास्ट 6 महीने शेयर होल्डर रहा है या 6 महीने शेयर होल्डर रहा है, ठीक है। ये दोनों मिलके भी कर सकते हैं, ऑल और एनी ऑफ द ए और बी। आरओसी कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑथराइज पर्सन एप्लीकेशन दे सकता है किसको? एनसीएलटी को, इस कंपनी को बंद कर दो। और अगर बेसिकली ये माना जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्लॉज बी में आ रहे, मतलब वो कंट्रीब्यूटरी या वो शेयर होल्डर है, तो वो भी एप्लीकेशन दे सकते हैं एनसीएलटी को कि इस कंपनी का क्या करा दो, वाइंडिंग अप करा दो, ठीक है। तो जब भी कोई पटिशन मतलब एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा कंपनी की तरफ से, तो उसमें कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगी। पेटीशन जो है आपको आरओसी के पास फाइल करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से। आरओसी इसको क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा किसको? ट्रिब्यूनल को, ठीक है, पेटीशन रिसीव होने के 60 दिन के अंदर। तो प्रोसेस क्या चलेगा? जैसे कंपनी, अब कंपनी ने क्या है, पेटीशन लेना है एनसीएलटी को, तो पहले वो आरओसी को देगी। आरओसी उसको ढंग से देखेगा, समझेगा, फिर विद इन 60 डेज इस पेटीशन को, एप्लीकेशन को किसको फॉरवर्ड करेगा? एनसीएलटी को फॉरवर्ड करेगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब मैटर जब एनसीएलटी के पास गया, तो एनसीएलटी यहाँ पे क्या करे? तो एनसीएलटी जो होता है, जब ये रिसीव हुआ एप्लीकेशन, उसके 90 दिन के अंदर ये इनमें से कोई एक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर दे सकता है। या तो पिटीशन को, एप्लीकेशन को डिसमिस कर दे, या इंटरिम ऑर्डर दे दे। इंटरिम मतलब जो फाइनल ना होता है वो इंटरिम होता है। लिक्विडेटर अपॉइंट कर दे, ठीक है, कंपनी के वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दे, या ऐसा ही कोई ऑर्डर उसको जो फिट लगता है वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है, इसमें आपको दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जैसे वाइंडिंग अप हो रहा है, तो आपकी एसेट और लाइबिलिटी का इंचार्ज जो है ना, वो कौन हो जाएगा? लिक्विडेटर, ये बात याद रखना। तो क्या होता है, लिक्विडेटर की एक ड्यूटी होती है कि जब वो वाइंडिंग अप कर देता है, तो वाइंडिंग अप के 60 दिन के अंदर, ठीक है, या आप बोल सकते हो एनसीएलटी से वाइंडिंग अप का जो ऑर्डर आया उसके 60 दिन के अंदर, जो बेसिकली लिक्विडेटर है उसको एक रिपोर्ट जो होती है एनसीएलटी के जमा करनी होती है, जिसमें वो बताता है कि कंपनी की टोटल एसेट्स कितनी है, पूरे डिटेल देता है, ठीक है, एसेट्स की वैल्यूएशन रिपोर्ट देता है, कंपनी का कैपिटल कितना है, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, ये बताता है, कंपनी के एग्जिस्टिंग और कंटिंजेंट लाइबिलिटीज कितनी है ये बताता है, कंपनी की डेप्थ कितनी, ड्यूज और किससे किससे ड्यूज है ये बताता है, कंपनी ने कहाँ कहाँ किसके किसके लोन पे गारंटी दी है ये बताता है, कितने कंट्रीब्यूटरीज है, पिछले 6 महीनों में कितने शेयर होल्डर है ये बताया जाता है, ट्रेडमार्क के पूरे डिटेल दिए जाते हैं, कंपनी के कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, जॉइंट वेंचर चल रहे हैं, कोलैबोरेशन के चल रहे हैं, इसके डिटेल दिए जाते हैं, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का डिटेल दिया जाता है, कंपनी पे कितने लीगल केस चल रहे हैं इसका डिटेल दिया जाता है। उसके अलावा एनसीएलटी जो भी जानकारी लिक्विडेटर से मांगेगा, लिक्विडेटर की जिम्मेदारी होती है कि वो जानकारी एनसीएलटी को दे। अब जब पूरा वाइंड अप खत्म हो जाएगा, तो लिक्विडेटर को एक एप्लीकेशन देना होगा ट्रिब्यूनल को, मतलब एनसीएलटी को, कि इस कंपनी का आप क्या कर दो, डिसोल्यूशन कर दो। यहाँ पर जाकर आपकी कंपनी एंड हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस आपका, मैंने जो बताया वो वाइंडिंग अप का प्रोसेस था। तो ये एक हिस्सा चैप्टर का खत्म हो गया, ठीक है। अब एक नया ही हिस्सा हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इसको आईबीसी 2016 भी बोलते हैं। क्या है, मैं बता दे रहा हूँ। नॉर्मली आईबीसी 2016 जो है लॉ की वो ब्रांच है जो इनसॉल्वेंसी से डील करती है। नॉर्मली क्या होता था, इनसॉल्वेंट तो एक आम इंसान भी हो सकता है, इंडिविजुअल,
या इनसॉल्वेंट तो एक एंटिटी भी हो सकती है, कंगाल तो कोई भी हो सकता है। इनसॉल्वेंट का मतलब क्या है, आपकी जो लाइबिलिटीज है वो आपकी एसेट से क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। बात इतनी सी है, मतलब आप अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे हो। तो पहले क्या होता था, ये सारे मैटर जाते थे कोर्ट में। अब आपको पता है जो हमारे यहाँ का कोर्ट है वो वैसे ही उदास चलता है, बेचारा ओवरबर्डन है, ओवरबर्डन है। तो बेसिकली हमारे लॉ मेकर्स ने क्या किया, एक लॉ बनाया आईबीसी 2016, और इसके थ्रू क्या किया, इंसॉल्वेंसी के प्रोसीजर को नॉर्मलाइज कर दिया या सिंप्लीफाई कर दिया या इजी कर दिया। ठीक, तो इजी कैसे किया मैं आपको बताऊं, तो जब ये लॉ बना तो इसमें एक बॉडी बना दी गई है जिसका नाम है आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब क्या होता है, जैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन है, मेरे जैसा कोई अकेला बिजनेसमैन है या कोई एंटिटी है जिसको लग रहा है कि उसकी लाइबिलिटीज उसके एसेट से कहीं ज्यादा हो गई है और वो कर्जे नहीं चुका पा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास पिटीशन डाल सकता है कि सर आप मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। तो जब ये पिटीशन डालेगा तो इसका इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आईआरपी, प्रोसीजर को हम बोलते हैं इनसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। आप अप्लाई करो आईबीबीआई के पास, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास, पिटीशन डालो तो आपका वो प्रोसीजर चालू करा देंगे जिसको इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कहा जाता है। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, क्या हो, आम आदमी, आपको इंसॉल्वेंट घोषित करना है, और अगर किसी कंपनी को इंसॉल्वेंट घोषित करना है तो ये प्रोसीजर कहलाता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीजर, शॉर्ट में CIRP। अपना इस बात को दिमाग में फोकस करके बिठा लो, क्या है लॉ जो है अब हमारे देश में इंसॉल्वेंसी को लेकर या कंगाली को लेकर, वह है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। उसमें जो बॉडी है उसका क्या नाम है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। हमें इसके पिटीशन डालना है, तो पिटीशन एक इंडिविजुअल या आम आदमी भी डाल सकता है कि वो कंगाल हो रहा है या कंपनी भी। हम फोकस करते हैं कंपनी के मामलों पर, तो इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीजर बोलते हैं। आई होप अभी तक आपको ये बात समझ आ गई होगी और इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसमें कुछ डेफिनेशन से आपको फोकस करके ध्यान रखनी है। पहली बात करते हैं इंसॉल्वेंसी की। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी पोजीशन जहां पर आपकी एसेट्स जो है उसे आप अपनी डेप्थ पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या फिर आपकी इनएबिलिटी कि आप डेप्थ पे नहीं कर पा रहे हो। इसको स्ट्रिक्ट सेंस में अगर यूज किया जाए तो स्ट्रिक्ट सेंस में इसका मतलब होता है कि ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या डेली बिजनेस में जो लाइबिलिटी उठती है, यदि आपकी हालत यह है कि आप उसको भी नहीं चुका पा रहे हो तो इसे इनसॉल्वेंसी कहा जाता है। आपको ये याद रखना है, ये कोई स्टेटस नहीं है, ये एक पोजीशन है आपकी, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी इंसॉल्वेंट कहला सकता है। दूसरा वर्ड जो आपको ध्यान रखना है वो है बैंकरप्सी। बैंकरप्सी अगर बोला जाए तो एक तरह का लीगल स्टेटस है, ठीक है। ये लीगल स्टेटस आपको किसके थ्रू मिलता है, तो अथॉरिटीज के थ्रू मिलता है, जिसमें ये मान लिया जाता है कि एक पर्सन मतलब इंडिविजुअल या जो एंटिटी है वो अपनी डेप्ट जो है क्रेडिटर को रिपे नहीं कर पा रही। ठीक, आप बैंकरप्ट कब घोषित होते हो, या आपको स्टेटस कब मिलता है, जब आप इसका पेटीशन जो है एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास डालते हो। आपको मैंने बता दिया एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपकी सारी एसेट को इवेलुएट करते हैं और इसमें क्या करते हैं, फिर जितना बन पा रहा है उतनी लाइबिलिटीज आपकी पे करते हैं और आपको क्या डिक्लेयर कर देते हैं, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी में क्या डिफरेंस है, तो इंसॉल्वेंसी एक पोजीशन है जहां आप कर्जे नहीं पे कर पा रहे हो, और बैंकरप्सी वो स्टेटस है जो आपको तब मिलता है जब आपने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया। तो ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है ये क्या करता है, अभी जो इंसॉल्वेंसीज के लॉ है उसके लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क बना देता है, जिसमें कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी, इंडिविजुअल और हर वो बॉडी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है खुद को इंसॉल्वेंट एंड बैंकरप्ट डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है, कोड किस पर अप्लाई हो रहा है, तो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का सेक्शन 2 है,
ठीक है, ये साफ साफ कहता है कि अगर कोई भी कंपनी जो है कंपनीज एक्ट 2013 में या किसी प्रीवियस लॉ मतलब क्या, कंपनीज एक्ट 1956 में बनी है या फिर कोई स्पेशल एक्ट से बनी है, ठीक है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टैटूटरी कॉर्पोरेशन आप समझते हो, LLPs हैं जैसे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई बॉडी है, ठीक है, कोई पर्सनल गारंटर है। पर्सनल गारंटर कौन होता है? तो पर्सनल गारंटर वो होता है जो किसी के लोन की गारंटी देता है, खासकर अगर कोई कंपनी लोन दे रही है उसके हम गारंटर बन गए तो उसको पर्सनल गारंटर बोलते हैं। फिर पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म भी इस कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन आते हैं? इंडिविजुअल्स आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको ये पॉइंट्स अच्छे से पढ़ना है और ध्यान रखना है, ये सारे लोग जो होते हैं IBC में आते हैं, ठीक। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के कुछ फीचर्स हैं उस पर भी आ जाते हैं, तो साइलेंट फीचर पूछ सकता है। तो सबसे पहला, जब से लॉ आया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, तो इससे क्या है, जो हमारे देश में इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है, मतलब कंगाल घोषित करने का जो तरीका है, यहाँ पे आपको मैंने लिख के बताया है ना, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ये फॉर्मलाइज हो गया है। अब इसमें एक बॉडी बना दी गई है, बॉडी का नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज है, मतलब फैसला देने वाली अथॉरिटीज है, बहुत सारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आ गए हैं, ये वो पर्सन होते हैं जो आपकी एसेट और लाइबिलिटी बिकवाने का काम करते हैं। तो देखो ये सब क्रिएट हो गए। दूसरा, जब जैसे वाइंडिंग आप कर रहे थे तो लिक्विडेटर था जो आपकी एसेट और लाइबिलिटी बिकवा रहा था, जब आपका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चलेगा तो इसमें जो पर्सन है वो लिक्विडेटर नहीं कहलाता, उसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहलाता है, ये आपकी एसेट्स को पूरा कंट्रोल करता है जब तक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बन रहा है। सारे क्लेम्स को क्या करता है? वेरीफाई करता है, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए सारे क्रेडिटर की कमिटी भी बना देता है, ठीक, और इस बीच वो डिसाइड करता है कि क्या बिजनेस को और रिवाइव किया जा सकता है, आगे चलाया जा सकता है, ताकि इतना पैसा हो जाए कि सबके कर्जे क्या किए जा सके, पूरा किए जा सके, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, फीचर नंबर वन, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को फॉर्मल किया गया है इस एक्ट से। दूसरा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को रखा गया है जो पूरी आपके एसेट कंट्रोल करेगा, वो देखेगा कि कितने क्रेडिटर्स हैं, इसलिए वो कमिटी बना देगा क्रेडिटर्स के, ताकि सब लोग क्लेम कर सकें। फिर एक मोराटोरियम पीरियड देगा, मोराटोरियम पीरियड मतलब होता है रिलैक्सेशन पीरियड, जिसमें मेहनत करके कंपनी के एसेट्स को बढ़ाएगा और उसके बाद कंपनी की लाइबिलिटीज पे करवाएगा, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, तीन दो चीजें हो गई। अच्छा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का फर्दर काम क्या है? अच्छा, इस पे फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई CS जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का काम कर सकता है, तो इसको और भी काम दिए गए हैं, जैसे ये कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है, कोलेट मतलब मर्ज कर सकता है, ऑथेंटिकेट या सर्टिफाई कर सकता है। इससे क्या होगा, बेसिकली जो इंसॉल्वेंसी का काम है उसको करने में थोड़ा सा क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिकली क्या किया गया है इस कोड में ना, दो ट्रिब्यूनल्स प्रपोज किए गए हैं जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को देखेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कहा जाए कि अगर मामला कंपनी से LLP से रिलेट करेगा तो जो अथॉरिटी होगी वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होगी, NCLT। जैसे क्या होगा, आप कंपनी का मामला लेके पिटीशन डाले IBBI के पास, IBBI मामले को किसको फॉरवर्ड कर देगा? NCLT को, अगर कंपनी है LLP है। सिमिलरली अगर कोई आम आदमी है, इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फॉर्म है, तो उनका मैटर कौन हैंडल करेगा? DRT। तो यहीं से फोकस कर लो, समझ लो IBBI ने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर दी है इंसॉल्वेंसी के अगर मैटर्स हैं, तो अगर कंपनी है LLP का मैटर है तो इनको कौन हैंडल करेगा? NCLT। और अगर आम आदमी का मैटर है, इंडिविजुअल का मैटर है या पार्टनरशिप का मैटर है, तो इसमें कौन हैंडल करेगा? DRT, डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये हैंडल करेगा, ठीक है। अब इसमें अगर कोई पर्सन सेटिस्फाई ना हो तो वो बेसिकली अपील कहाँ कर सकता है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और वहां भी सेटिस्फाई ना हो तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ये रिजोल्यूशन प्रोसेस होगा, खासकर कंपनी का चलेगा, तो इसमें दो स्टेज माने जाएंगे। सबसे पहले तो आपका क्या होगा, पूरा रिजोल्यूशन प्रोसेस चलेगा, जहाँ कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं वो देखेंगे कि कितना डेटर का बिजनेस है जो अपना कर्जा चुकाने के लिए काफी है, क्या बहुत कम तो नहीं है, ठीक। दूसरा, वो लिक्विडेशन पे ध्यान देंगे, मतलब ये है कि क्रेडिटर अब ये डिसाइड कर दे कि कंपनी को वाइंड अप करना है, एसेट्स को बेच देना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपकी कंपनी जो है कॉर्पोरेट पर्सन मतलब कंपनी है ना, ये अगर इंसॉल्वेंट हो रही है तो दो क्राइटेरिया होगा। पहले रिजोल्यूशन प्रोसेस चलेगा, या क्रेडिटर वेरीफाई कर देंगे कि कितना क्लेम बनता है, फिर
फिर लिक्विडेशन होगा। लिक्विडेशन मतलब बेसिकली ये कि आपकी सारी एसेट्स बेची जाएगी, लाइबिलिटी पे की जाएगी। ठीक, अब इसमें आप ये समझ लो फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है ऐसे लोग हैं जिसको कंपनी ने अभी पैसा वापस नहीं किया है, तो ये क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। मैंने बताया ना प्रोसीजर इंडिविजुअली के लिए क्या कह जाता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, कंपनी के लिए क्या कह जाता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो ये जो क्रेडिटर्स हैं जिनका कर्जा नहीं पे हुआ है ये कंपनी के खिलाफ इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक, कंपनी को कॉर्पोरेट डेटर बोला जा रहा है क्योंकि इसको पैसे पे करने हैं। ठीक है, फर्दर जो कंपनी के शेयर होल्डर या एम्प्लॉयज है ये भी जो है कंपनी के इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनसीएलटी जो है इस मैटर को फुल्ली हैंडल करेगी। अब पहले इतना पढ़ के बताओ आपको समझ आया कि नहीं, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ इसको।